सबसे ज़्यादा छोले भटूरे ही ऑर्डर किया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्प और सॉफ्ट बना है, ये देखिए, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बिहारी हो या पंजाबी, ऐसा कौन है जिसे छोले भटूरे पसंद ना आए? छोले भटूरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको पसंद आता है छोले भटूरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और संजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं छोले भटूरे। तो आप घर में आसानी से स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे कैसे बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो हम रेसिपी बनाना शुरू करें, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। छोले भटूरे बनाने के लिए हमने ये 1/4 किलो काबली चना लिया है, और इसको हमने रात भर फूलने के लिए रख दिया था, और ये देखिए ये अच्छे से अभी फूल गया है। तो चलिए अब हम इसको उबाल लेते हैं। उबालने के लिए हम कुकर में काबली चना डाल देंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा हल्दी, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो चलिए अब हम कुकर बंद कर देते हैं। और इसे हम गैस पर चढ़ाते हैं। तो काबली चना में हम 5-6 सीटी लगने देंगे, ताकि चना जो है अच्छे से पक जाए। तो जब तक छोला पक रहा है, तब तक हम भटूरे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए हम लेंगे मैदा, 2 कप मैदा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रवा, 1/4 कप। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालिए। और अब हम इसमें डालेंगे दही, 1/3 कप। तो इसमें डालेंगे हम तेल, 1 टेबल स्पून। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका नरम डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका हमने नरम डो तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो ये देखिए, तेल इसमें लग गया है। तेल इसलिए लगाएंगे ताकि इस पे जो है पपड़ी ना पड़े। इसको हम गीले कपड़े से ढक देंगे और ढक के कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं, कुकर जो है ठंडा हो गया है, तो देखते हैं कि चना जो है अच्छे से पका या नहीं। ये देखिए, चना जो है अच्छे से पक गया है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। हम कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे तेल। और तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल जो है गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, 5-6 काली मिर्च, 5-6 लौंग, 4 छोटी इलायची। इन सबको हम थोड़ा कड़कने देंगे। फोरन जो है कड़क गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, और इसे भी थोड़ा
भून लेंगे। तो अदरक लहसुन भी फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसाले में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये छोले मसाले। अब इन सबको हम हल्का भून लेंगे। मसाला हल्का भुना गया है, अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी, और इसे अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए मसाला जो है एकदम फ्राई हो गया है और मसाले से तेल भी जो है अलग हो गया हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ छोला जो है, इसमें हम डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। चना जो है पानी के साथ ही हमने इसमें डाला है, तो इसमें अब जितनी जरूरत होगी पानी की उतनी ही डालेंगे हम। और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और इसे अब हम पकने देंगे। छोले को हम 5 मिनट पकाएंगे क्योंकि छोला जो है पका हुआ है ऑलरेडी, बस थोड़ा सा इसको मसाले के साथ पकाना है। तो ये देखिए छोला जो है गाढ़ा हो गया है एकदम। तो अभी हम नमक टेस्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा नमक पड़ेगा, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और जब छोला उबल रहा था तभी मैं इसमें नमक डाली थी। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक के लच्छे, धनिया पत्ता और ये हरी मिर्च, इसको हमने बीच से चीर लिया है। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। छोला जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और ये देखिए एकदम गाढ़ा भी हो गया है। तो 2 घंटे हो गए हैं, आइए देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा गूंद लेंगे। तो इस पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसे अब एकदम चिकना करना है। तो ये देखिए ये हो गया है। इसका हम लोई बना लेंगे। लोई को हम हाथ से पहले थोड़ा चौला करेंगे इसे दबा दबा के। इसको बेलने से बेल लेंगे। तो आप जिस साइज का चाहें बेल सकते हैं, ओवल या गोल। तो ये जो है बेला चुका है, अब हम इसको तल देते हैं। तो इसको हम सावधानी से इसमें डाल देंगे। इसको इस तरह से छनौटा से हल्का हल्का दबाते रहेंगे
कितना अच्छा फूल गया है ये। और अब इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए क्या मस्त भटूरा बना है, एकदम फूला फूला सा। स्ट्रीट फूड में सबसे ज्यादा छोले भटूरे ही ऑर्डर किया जाता है। आप भी अगर इस विधि से बनाएंगे तो आपका भटूरा भी फूला फूला, क्रिस्प और सॉफ्ट बनेगा। ये हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म मजा लीजिए इस छोले भटूरे का। तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अकू पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।